हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2008 में आई मर्डॉक मिस्ट्रीज सीजन 1 एपिसोड नंबर 8 को। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10 और इसे 91% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं और आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके हर एपिसोड में एक नई स्टोरी होती है। लेकिन अगर आपको इसके पहले के एपिसोड्स देखने हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि खेल रहे होते हैं। यहाँ पर खेलते खेलते वो नदी के पास जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक लाश मिलती है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ पर पुलिस आ जाती है। यहाँ पर डॉक्टर डिटेक्टिव मर्डॉक को बताती है कि इस आदमी की डेथ 8 घंटे पहले हो चुकी है और वो इस आदमी को पहचानती है। तो वो बोलती है कि इसका नाम है रिचर्ड और ये किंग्समैन की टीम का मेंबर है। किंग्समैन एक क्लब होता है जहाँ की एक टीम बनती है, एक बोटिंग करने वाले स्पोर्ट्स की जिसका मुझे नाम नहीं पता है, और ये उसी का मेंबर होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम मिनर्वा को देखते हैं। मिनर्वा रिचर्ड की गर्लफ्रेंड होती है और वो यहाँ पर उसे पहचानने आई होती है, क्योंकि रिचर्ड की पूरी फैमिली घूमने के लिए बाहर गई थी, इसलिए इस टाइम पर इतनी जल्दी उनके पास कोई भी नहीं पहुंच सकता था। मिनर्वा बताती है कि पिछली रात में वो रिचर्ड के साथ में ही थी और उन्होंने क्लब में बैठ के 10 बजे तक पार्टी करी थी, क्योंकि रिचर्ड अभी कुछ ही वक्त पहले टीम में आया है और ये पार्टी उसके आने की खुशी में थी, और इसके बाद वो क्लब से निकल गया था। पर हाँ, पार्टी में जाने से पहले उसका अपने कोच के साथ काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ था और उसके कोच का नाम है हैमिल्टन। इतना बताकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डॉक्टर मर्डॉक को बताती है कि उन्हें इसके हाथ में से सैंड और क्ले मिली है और इसकी बॉडी पर काफ़ी सारे चोट के निशान हैं जो कि किसी तेज धारदार चीज़ से मारे गए हैं, और इसके पैरों में एक कांच भी मिला है, मतलब कि मारने से पहले इसे काफ़ी ज़्यादा तड़पाया गया था और टॉर्चर किया गया था। और इसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है और इसकी लाश तो नदी में मिली ही थी। तो अब मर्डॉक इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसी क्लब में जाता है, पर यहाँ पर वो क्लब का मेंबर नहीं होता है तो क्लब का मैनेजर उसे अंदर भी नहीं आने देता। पर तभी वहाँ पर कोच हैमिल्टन आ जाते हैं और वो मर्डॉक को अपने साथ लेकर अंदर जाते हैं। अब यहाँ पर हैमिल्टन बताता है कि हाँ, उसका झगड़ा हुआ था क्योंकि रिचर्ड कुछ जगहों पे अपनी लाइन क्रॉस कर रहा था और उसका दूसरे टीममेट के साथ झगड़ा चलता था, इसलिए वो बस उसे समझा रहा था। तो इसके बाद मर्डॉक रिचर्ड के टीममेट से बात करता है। यहाँ पर वो सभी लोग बोलते हैं कि हमारे साथ तो उसका ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, पर एक इंसान के साथ उसका झगड़ा हुआ था जिसका नाम है ब्रिक्स। तो अब यहाँ से मर्डॉक ब्रिक्स से मिलने जाता है। ब्रिक्स इस स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इनफैक्ट वो सभी प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, और वो फाइनेंशियली काफ़ी गरीब भी होता है और वो अपनी माँ की हेल्प करता है गार्डनिंग में। पर अब उसे टीम से रिप्लेस कर दिया गया था और उसकी जगह पर रिचर्ड का सिलेक्शन हुआ था। तो अब मर्डॉक बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो क्योंकि रिचर्ड ने तुम्हारी जगह ले ली है और जल्दी ही ये टीम ओलंपिक्स में जाने वाली है, और तुम बहुत ही अच्छे प्लेयर हो, इसलिए अगर तुम जाते तो ज़रूर जीतते। तो अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो जाने पर कोई भी ऐसा कर सकता है कि उस अपोनेंट को मार दे ताकि उसके जगह फिर से खाली हो जाए। तो अब ब्रिक्स बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और जिस टाइम पर ये क्राइम हुआ उस टाइम मैं अपनी माँ के साथ था। तो अब इतना पता चलने के बाद मर्डॉक एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसी क्लब में जाता है। यहाँ पर वो उनके स्टोर रूम में चेक करता है उन सभी सामानों को जिनकी हेल्प से वो लोग इस स्पोर्ट्स में खेलते थे, मतलब बोटिंग करते थे। तो यहाँ पर उन्हें एक चप्पू पे ब्लड लगा हुआ मिलता है, पर ये ब्लड काफ़ी ज़्यादा वेट होता है, जबकि विक्टिम की मौत तो काफ़ी वक्त पहले हो गई थी तो अब तक तो ये खून अच्छे से सूख जाना चाहिए था। अब मर्डॉक को समझ में आ जाता है कि कोई ब्रिक्स को फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। तो अब मर्डॉक ब्रिक्स से बात करता है और वो उसे फोर्स करता है और कहता है कि अगर तुमने अभी सच नहीं बताया तो ऐसा हो सकता है कि तुम जेल चले जाओ और जहाँ पर तुम्हें दोबारा कभी भी ये स्पोर्ट्स खेलने को नहीं मिलने वाला। तो अब ब्रिक्स बता देता है कि क्योंकि रिचर्ड ने मुझे रिप्लेस किया था और मैं सबसे अच्छा प्लेयर था, इसलिए ये बात टीममेट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो उन सभी लोगों ने रिचर्ड को डराने धमकाने के लिए एक प्लान किया था,
असल में उनके स्पोर्ट्स में जब भी कोई नया प्लेयर आता है तो उनके जंगल के बीच में एक स्पॉट होता है जहाँ पर वो जाके पार्टी वार्टी करते हैं। तो उनका प्लान ये था कि वो इसी स्पॉट पे रिचर्ड को लेके जाएंगे और उसे बहुत डराएंगे ताकि वो अपना नाम खुद ही पीछे ले ले। तो अब मर्डोक इसके बारे में डॉक्टर ऑर्गन से बात करता है। तो यहाँ पर डॉक्टर ऑर्गन बताती है कि उनका पहले एक फ्रेंड था डॉक्टर ट्रैश, जो कि अपनी यंग एज में यही स्पोर्ट्स खेलता था उसी क्लब से। तो ज़रूर उसे वो स्पॉट पता होगा जहाँ पर ये लोग नए प्लेयर को लेकर जाते थे। तो अब मर्डोक डॉक्टर ट्रैश से मिलता है और उसके साथ वो उसी स्पॉट पर जाता है। यहाँ पर रास्ते में उसे पता चलता है कि एक टाइम पर डॉक्टर ट्रैश और डॉक्टर ऑर्गन का अफेयर था, और ये सुनकर मर्डोक को काफ़ी जलन होती है क्योंकि वो डॉक्टर ऑर्गन को लाइक करता है। अब जब ये लोग उस स्पॉट पे पहुँचते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारी टूटी हुई कांच की बॉटल्स पड़ी थी, और इन्हीं में से एक कांच ज़रूर विक्टिम के पैर में लग गया होगा। अब मर्डोक यहाँ पर इमेजिन करता है कि कैसे बाकी सारे टीममेट्स ने उसे यहाँ पर मारा होगा, टॉर्चर किया होगा, और यहाँ से भागकर वो नदी की साइड में चला गया होगा। तो अब इसके बारे में मर्डोक उन प्लेयर्स के पास जाकर उनसे बात करता है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताते। तो अब मर्डोक को मजबूरी में आकर उन सबको अरेस्ट करना पड़ता है, और इसके बाद वो उन सब के ऊपर लाई डिटेक्टर टेस्ट करता है, जहाँ पर पहले तो वो लोग मना कर रहे होते हैं, पर इंस्पेक्टर थॉमस के बहुत ज़्यादा डराने और फोर्स करने पर वो धीरे धीरे सच बोलना शुरू कर देते हैं। और एंड में उन्हें ये पता चलता है कि ये सारी प्लानिंग उनके कोच हैमिल्टन की थी। तो अब वो हैमिल्टन से भी बात करते हैं। तो अब फाइनली हैमिल्टन बताता है कि क्योंकि रिचर्ड ने ब्रिक्स को रिप्लेस कर दिया था और ब्रिक्स उनका बेस्ट प्लेयर था, और अगर ब्रिक्स नहीं होगा तो वो ओलंपिक्स में जीत नहीं पाएंगे। तो रिचर्ड की डेथ से पहले जो हैमिल्टन और रिचर्ड का झगड़ा हुआ था वो भी इसी बात पर हुआ था, क्योंकि हैमिल्टन रिचर्ड को बोल रहा था कि वो अपनी मर्जी से अपना नाम पीछे ले ले ताकि उसकी जगह पर ब्रिक्स खेले, पर रिचर्ड ने मना कर दिया। तो बाद में हैमिल्टन ने ये प्लान बनाया था कि उसे स्पॉट पे ले जाकर उसे डराएंगे, थोड़ा सा टॉर्चर करेंगे, तो क्या पता वो नाम वापस ले ले, या तो फिर उसे इतना इंजर्ड कर देंगे कि वो खेल ही ना पाए। और ये सारे प्लेयर्स उस रात ऐसे ही कर रहे होते हैं और उसे चप्पू से मार रहे होते हैं, पर मारते मारते ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं और वो उसे कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर कर देते हैं। तो इसके बाद वो यहाँ से अपनी जान बचाकर नदी की तरफ को भाग जाता है। अब रिचर्ड एक बहुत अच्छा स्विमर होता है, इसलिए इन सबको लगता है कि वो तैर कर वहाँ से निकल जाएगा, इसलिए कोई भी उसे देखने के लिए उसके पीछे नहीं जाता। और बाद में नदी के पास में ही उसकी लाश भी मिलती है। तो अब इन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और सबको लगता है कि केस यहीं पर क्लोज हो गया है, पर मर्डोक को अभी भी एक बार समझ में नहीं आ रही होती है कि उसके नेल्स में से सैंड और क्ले दोनों मिले हैं। सैंड तो उस स्पॉट पर थी जहाँ पर उसे मारा गया था, मतलब जहाँ पर उसे टॉर्चर किया गया था, पर अगर उसके हाथों में क्ले भी मिली है तो ऐसा हो सकता है कि वह नदी से बाहर निकल आया हो और तब तक उसकी डेथ ना हुई हो। इसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है। अब क्योंकि रिचर्ड की डेथ पानी में डूबने से हुई थी तो उसके लंग्स में अभी भी काफ़ी सारा पानी भरा होता है, तो मर्डोक डॉक्टर से बोलकर वो सारा पानी निकलवा लेता है। इसके बाद वो पानी लेकर जाता है और उसे फिल्टर करता है। तो उस पानी में से उसे एक पार्टिकल मिलता है जिसे वो अलग रख देता है, जिसकी जांच वो बाद में करेगा। अब जो पानी होता है उसमें ऑयल मिला होता है और उसमें बहुत अच्छी सी लैवेंडर की स्मेल आ रही होती है। तो यहाँ पर कॉन्स्टेबल जॉर्ज उसे बताता है कि ऐसी स्मेल लेडीज से आती है क्योंकि वो लोग बाथ में इसका यूज़ करती हैं। तो मतलब कि रिचर्ड की डेथ नदी के पानी में डूबने से नहीं हुई है, बल्कि उसे कहीं और मारा गया है, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर लोग बाथ लेते हैं और वहाँ पर ये ऑयल भी है। तो अब मर्डोक जॉर्ज के साथ वापस से क्लब जाता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ गेस्ट हाउस बने हुए हैं लोगों के रुकने के लिए। तो वो उन सभी गेस्ट हाउस में तलाशी लेता है, तो उसे एक जगह पे खून मिल जाता है और वाइन के टूटे ग्लास से कुछ टुकड़े भी मिल जाते हैं, और यहाँ के बाथरूम में वैसा ही ऑयल होता है जैसा उन्हें पानी में से मिला था। तो मतलब कि मौत का असली क्राइम सीन ये होता है। यहाँ पर उन्हें रजिस्टर में से चेक करने पर पता चलता है कि इस रूम में पहले मिनर्वा आई थी, रिचर्ड की गर्लफ्रेंड। तो अब वो मिनर्वा से बात करता है, तो मिनर्वा उसे बताती है कि उनका प्लान था कि बाहर से आने के बाद
मिनर्वा और रिचर्ड उसी गेस्ट हाउस में मिलेंगे, इसलिए मिनर्वा उसका गेस्ट हाउस में वेट कर रही थी। पर मिनर्वा रिचर्ड से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट था, इसलिए वो प्लान करती है कि जब रिचर्ड यहाँ पर आएगा तो वो उससे ब्रेकअप कर लेगी। अब जब रिचर्ड यहाँ पर पहुँचता है तो वो बहुत ही ज़्यादा टूटी फूटी हालत में होता है, पर इसके बाद भी मिनर्वा उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब ये सुनने के बाद रिचर्ड को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो गुस्से में उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है और वो उसे टॉर्चर भी करता है। तो मिनर्वा खुद को छुड़ाकर जैसे तैसे वहाँ से भाग जाती है, और इसके बाद रिचर्ड कैसे मरा, उसके साथ क्या हुआ, ये बात मिनर्वा को नहीं पता है, ऐसा वो बताती है। इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद मर्डॉक वही पार्टिकल जो उन्हें पानी में से मिला था उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये एक टाइप का फर्टिलाइज़र है, और सभी सस्पेक्ट्स में केवल ब्रिग्स ही ऐसा इंसान होता है जो कि गार्डनिंग करता है, जिसके लिए उसे फर्टिलाइज़र का यूज़ होगा। और अगर फर्टिलाइज़र उसके हाथों में लगा है तो वो इतनी आसानी से छूटेगा नहीं। तो अब मर्डॉक ब्रिग्स से मिलने के लिए जाता है, और यहाँ पर वो उसे काफ़ी ज़्यादा फोर्स करता है। इनफैक्ट वो सारा इल्ज़ाम मिनर्वा पे डाल रहा होता है। यहाँ पर मर्डॉक बोलता है कि तुम्हारा और मिनर्वा का अफेयर चल रहा होगा और तुम दोनों ने मिलकर ही रिचर्ड को मार दिया होगा। तो अब ब्रिग्स गुस्से में बोलता है कि सब में मिनर्वा का कोई भी हाथ नहीं था, ये सब मैंने अकेले किया था। और अब ब्रिग्स बताता है कि उसको और मिनर्वा का अफेयर चल रहा था, पर यह बात रिचर्ड को पता चल जाती है। तो ब्रिग्स को अपना पैसा और पावर दिखाने के लिए रिचर्ड जानबूझकर उसे रिप्लेस करवा देता है और खुद उसकी जगह पे आ जाता है, क्योंकि रिचर्ड को पता होता है कि ब्रिग्स की पूरी ज़िंदगी है वो बोटिंग करना बस। अब क्योंकि बाकी सारे टीममेट्स नहीं चाहते थे कि ब्रिग्स टीम से जाए, इसलिए वो प्लान करते हैं कि वो रिचर्ड को डराएंगे। और दूसरी तरफ ब्रिग्स ने ऐसा सोच लिया था कि रिचर्ड अमीर है और अगर वो सच में मिनर्वा को पसंद करता है तो ठीक है, ब्रिग्स उसे छोड़ देगा, कम से कम मिनर्वा उसी के साथ खुश तो रहेगी, क्योंकि ब्रिग्स तो गरीब है और शायद वो उसे वैसी लाइफ ना दे पाए जैसी मिनर्वा को चाहिए हो। पर वो उस रात देखता है कि गेस्ट हाउस से मिनर्वा रोते हुए और चिल्लाते हुए निकल के जाती है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है कि जिस लड़की को उसने छोड़ दिया रिचर्ड के लिए, रिचर्ड उसके साथ इतना बुरा बिहेव कर रहा है। और इसके बाद वो गुस्से में गेस्ट हाउस में जाता है और रिचर्ड को बाथटब में डुबा करके मार देता है, और ये फर्टिलाइज़र भी उसी वक्त उससे हाथ से छूटकर पानी में मिल गए होंगे। तो अब इसके बाद रिचर्ड को पकड़ लिया जाता है और डॉक्टर ऑर्गन मिनर्वा से बात करने जाती है। वो उसे सिंपथी देने जाती है, और उससे बात करने के बाद वो मर्डॉक के पास जाकर पूछती है कि क्या उसे कॉफ़ी पसंद है। तो मर्डॉक को कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, पर फिर भी क्योंकि डॉक्टर ऑर्गन ने पूछा है तो वो बोल देता है कि उसे कॉफ़ी बहुत पसंद है, क्योंकि अगर वो मना कर देगा तो उसकी डेट कैंसिल हो जाएगी। और इसके बाद मर्डॉक और डॉक्टर वहाँ से निकल जाते हैं, और इसी के साथ एपिसोड नंबर 8 यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।